बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स मी पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू वेलकम टू लेक्चर नंबर 17 चैप्टर हमारा है कॉनिक्स टू और एलिप्स पर आज हमारा है स्टूडेंट्स सेवंथ लेक्चर और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू एलिप्स ठीक टेक स्टूडेंट्स तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर माय नेम इज इंजीनियर मजीदAmin YouTube चैनल maths.physics स्टूडेंट्स ये आपको एक एलिप्स एलिप्स पर हम तकरीबन छह लेक्स हमने ऑलरेडी दिए हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ दो तीन जगह में भी और स्टूडेंट पेरा बोला में भी फिर भी अगर किसी को ना पता हो तो टेंट अ लाइन विच टच इज अ गिवन पॉइंट फ्राम आउटसाइड विच इज अंट एट वन पॉइंट फ्राम आउटसाइड द गिवन प्लेन सर्कल हो पेरा बोला हो जो भी हो स्टूडेंट ये, ये कोई कर्व है एक कोई कोई कर्व है, एक पॉइंट है पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रा की जाएगी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप ये लाइन विद टच पॉइंट फ्रॉम आउट साइड इन द गिवन प्लेन ये तो ये टेंजेंट है और परपेंडिकुलर टू तो टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी कॉल नॉर्मल ये नॉर्मल है ठीक है तो ये आपको एलिप्स है कौन सा एलिप्स है हा, स्टैंडर्ड हारिजेंटल एलिप्स

तो तो इक्वेशन तो ये तो लाइन से आपको होगा तो इस लाइन की ये इक्वेशन है और ये जो नॉर्मल लाइन है इसकी ये इक्वेशन है जो भी हम प्रूफ कर देंगे तो ये इक्वेशन है ठीक है तो नॉर्मली तो मैं तो प्रूफ करता हूं एंड पे इसका प्रूफ कर देंगे बिगेनिंग में इसका प्रूफ करते हैं अब जाहिर है कि ये जो इक्वेशन हम डेराइव करेंगे ये हम सिर्फ इसी इसी एलिप्स के लिए डेराइव करेंगे सर्कल अगर डिफरेंट हुआ तो सारी उस मुनासिबत से हम चेंजेस करेंगे मगर कर देंगे. स्टूडेंट्स ये आपका है एलिप्स ये क्या है स्टूडेंट्स एक्स इक्वेशन ऑफ तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइंग बाई ए स्क्र मल्टीप्लाइंग I just want to differentiate. Differentiate with respect to x. So, b square, x square, a square, y square, a square, b square. Don't no sides. Pay many d by dx.

प्रोडक्ट ऑफ द minus ऑफ तो इसका ये स्लोप है तो इसका फिर स्लोप ही होगा आप जरा ए स्क्र वाई डिवाइडेड बाई बी स्क्तर एक्सपूडेंट्स इक्वेजन ऑफ टेंजेंट किसी बी लाइन की इक्वेजन क्या होगी किसी बी लाइन की इक्वेजन होती है स्टूडेंट वाई माइनस वाई वन स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन कोई भी लाइन हो पे हम स्टूडेंट्स टेंजेंट के लिए अगर कर रहे हैं तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जाहिर है स्टूडेंट्स एट ए सो सिंपल स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज माइनस बी स्क्र एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर वाई इंटू एक्स माइनस एक्स तो असल में इक्वेजन ये इक्वेजन है इक्वेजन ऑफ द टेंजेंट वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस और इस तरह स्टूडेंट्स नॉर्मल के अगर आप बात करें नॉर्मल की बात करें तो y- माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इन टू एक्स माइनस एक्स वन तो माई स्वीट स्टूडेंट्स y- माइनस वाई वन स्लोप ऑफ नॉर्मल वाई बाई बी स्क्वेयर एक्स ठीक है एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन तो आपने देखा स्टूडेंट ये है इक्वेशन हमारी फॉर्म में देते हैं वो यानी इसको आप सिंप्लीफाई नहीं करते चेंज नहीं करते दूसरी फॉर्म में और अगर आप चाहें तो आप इन दोनों को चेंज करते हैं कर सकते हैं हमारी बुक वाले ये करते हैं ये नहीं चेंज करते हैं मगर ये दोनों भी सही अदरवाइज आप जरा आगे जाए ये तो में कई दफा पढ़ा ये तो खैर एक, एक खास केस के लिए फार्मूला आ जाएगा तो फिर अदरवाइज ये स्टैंडर्ड तरीका है फॉर्मूलो वगैरह की कोई जरूरत नहीं है आपको एक कर्व अगर गिवन हो इक्वेशन गिवन हो पॉइंट गिवन हो तो सिंपल आप उसकी इक्वेशन डिफरेंशिएट करें डेरिवेटिव आ जाएगा डेरिवेटिव उसमें फिर आप वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुटिंग करें तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन आ जाएगा और फिर पॉइंट अगर आपको गिवन है पॉइंट और स्लोप uh, uh, अगर गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जिसको हम बोलते हैं ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन सिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लाइन है अच्छा माय स्वीट स्टूडेंट्स अब वो जो इक्वेशन है वो वाली इसको जरा सिंपलीफाई कर सकते हैं तो लेफ्ट पे आप ले जाए a² y1 y y1 is equal to minus b square x1 into x minus x1. Equal students a square y1 y minus a square y one square minus b square x1 x plus b square x1 square. Mm -hmm. Okay, my sweet students to iscop either b square x1 x plus a square y one y अच्छा, अच्छा स्टूडेंट इसके बाद आप देखें सर ये तो आपका वाई है ना वाई ये इधर आया बी स्क्वायर एक्स वन एक्स ए स्क्वायर वाई वन वाई और ये उधर गया अब ये टर्म क्या है स्टूडेंट्स ये अगर आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करें या ये आएगा बी स्क्र एक्स स्क्स ए स्क्र वाई स्क्र इज एक स्क्र बी स्क्र अब ये जो पॉइंट है ये एलिप्स का ही कोई पॉइंट है और हमें पता है स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो भी पॉइंट जिस भी कर्व पर होगा तो वो पॉइंट तो उस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा तो इसमें अगर आप x1 y1 पुटिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स b स्क्वेयर x1 स्क्वेयर a स्क्वेयर y1 स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर b स्क्वेयर तो इसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स a स्क्वेयर b स्क्वेयर बिकॉज इट इज पॉइंट ऑफ दिस एलिप्स x1 y1 तो माय स्वीट स्टूडेंट्स बी स्क्न एक्स प्लस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपका आ जाएगा आप ए स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स वाई वाई वन ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे बी आएगा और ये यह यहाँ पे आ जाएगा वन तो ये है जनाब इक्वेशन ऑफ टेंशन ठीक है तो लेट्स सिंपल जिसको आप कह सकते हैं और के जाहिर है है ये जो आए, ये जो आए इसी के लिए है। किसी और एलिप्स के लिए तो नहीं मींस अगर वर्टिकल एलिप्स हो या अगर ट्रांसलेटेड एलिप्स हो फिर तो काम नहीं चलेगा जैसे माय स्वीट स्टूडेंट्स में से मैं अगर आपको कोई क्वेश्चन दूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये मैं आपको दे रहा हूं कि तो अब ये पॉइंट आपका ऐसा हो कि उस इक्वेशन को ये अपनी तरफ से तो आप नहीं कह सकते कि बाज, ये बुक्स में ये गलती हो जाती है पॉइंट आपको दिया होता है और उधर तो उसने उसको ये नहीं सोचा होता उसने कि क्या ये इसका कोई पॉइंट है यानी ये पॉइंट तो एलिप्स का कोई पॉइंट नहीं है तो इस पॉइंट पर तो टेंजेंट आप नहीं डिफाइन कर सकते इस पॉइंट पर आप टेंजेंट डिफाइन कर सकते हैं जो कि ये आएगा स्टूडेंट्स अब पॉइंट यानी ये तो नहीं होगा ये गलत है पॉइंट अपनी तरफ से तो आप कोई पॉइंट नहीं दे सकते या अगर आप इसमें पुट इन करेंगे तो कैसे एक्स की जगह वन वाई की जगह टू तो आप देखें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है चार और ये आप देखे स्टूडेंट चार छत्तीस ये तो आ रहा है स्टूडेंट्स फोर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट इस एलिप्स का कोई पॉइंट है ही नहीं तो हम ऐसा पॉइंट दे के वो उसको एक्स की वैल्यू अगर वन हो स्टूडेंट्स की वैल्यू अगर हो तो आ जाएगा जाएगा जब की इज इक्वल टू थर्टी टू इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट थर्टी टू बाई थ्री ये फिर आप लिख सकते हैं टू ये थर्टी टू लिख सकते स्टूडेंट्स टू मल्टीप्लाइड बाई तो ये फोर बाहर आएगा फोर अंडर रूट टू थ्री फोर अंडर रूट टू थ्री अब ये इस एलिप्स का पॉइंट है। समझ आई है आपको यानी आपको तो ऐसा गिवन होगा मगर मैंने नोटिस किया है अक्सर बुक्स में इस तरह पॉइंट देते हैं कि वो तो उसका पॉइंट ही नहीं होता उस कर्व का या अगर आप देखिए जगह वन वाई की जगह फोर अंडर रू टू डि थ्री आप स्टूडेंट्स देखिए जरा फोर सिक्सटीन इंटू टू आपका सिक्स हुआ स्टूडेंट्स uh, अब तो आप जरा इट इज सो सिंपल आप करेंगे माई स्टूडेंट्स इक्वेजन ऑफ ही हैज आस्क्ड फॉर इक्वेजन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी स्टूडेंट्स आपने तो बस फार्मूला याद किया है x x1 अच्छा स्टूडेंट्स आप जरा देखें ये आपने पहले मेक श्योर करना है कि ये फर्स्ट ये एलिप्स आप जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखेंगे प्लस नाइन वाई स्क्वायर ऐसा ना हो कि वो सेकंड केस की वन हो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिवाइड बाय थर्टी तो ये नाइन आएगा यहां पे फोर आ जाएगा दिस इज वन तो ये, ये बिल्कुल ये

स्टूडेंट्स एक्स डिवाइडेड बाय नाइन प्लस अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय थ्री टू वन इस वाम में भी आप लिख सकते हैं या मल्टीप्लाइंग बाय नाइन करेंगे तो थ्री अंडर रूट टू माइनस नाइन इक्वल टू जीरो मे शोर करें कि कुछ प्लस माइनस में कुछ गलती ना हो नाइन से मल्टीप्लाई किया नाइन थ्री आएगा थ्री अंडर रूट टू वाई ठीक है ठीक तो है इस को अगर आप इस पॉइंट पर टेजन लाइन ड्रा करेंगे तो उसकी ये इक्वेशन होगी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अच्छा स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स की इक्वेशन क्या होगी नॉर्मल की इक्वेशन आप करें, करें, -y1, y1 आपको गिवन है फोर अंडर रूट टू डि Square, 9, Y1, 4 2 3, जो है हुआ वेरी गुड ये आपका कैंसल हुआ ओके okay, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो थ्री आएगा थ्री थ्री अंडर रूट टू थ्री अंडर रूट टू उधर आज जाके मल्टीप्लाई होगा उस तरफ थ्री अंडर रूट थ्री अंडर रूट टू एक्स ये और माइनस वाई ये आपका है स्टूडेंट्स माइनस थ्री अंडर रूट टू और प्लस फोर अंडर रूट टू डिड बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो कुछ गलती तो हमने नहीं है कि माइनस वाई प्लस चला ठीक है तो ये है स्टूडेंट्स इक्वेजन ऑफ नॉर्मल और वो है इक्वेजन ऑफ टेंट होपफुली आपको समझ आ गई ठीक है स्टूडेंट्स ओके okay. अच्छा स्टूडेंट्स अब अगर आपको वो दूसरा एलिप्स दिया जाए तो अगर वो यहां पे आपको लिखे के फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपको फोर चले फोर ठीक था आपको अगर ये वाला एलिप्स दिया जाए क्या ख्याल है आपका ठीक है यानी आई टू मेक दिस एलिप्स कैसा कि वन होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल वन तो ये आपका आ जाएगा वन माइनस थ्री या अंडर रूट थ्री आएगा फिर अंडर रूट थ्री ये आपका आ जाएगा अंडर रूट थ्री पॉइंट यहां पे माइनस आप करें माइनस करें ये आप यहाँ पे फोर इन टू एक्स स्क् स्टूडेंट फोर प्लस थ्री माइनस है आप x की जगह पुट करेंगे माइनस वन फोर माइनस वन स्क्र वाई स्क्र माइनस थ्री टू जीरो फिर तो वाई आ रहा है जीरो स्टूडेंट्स ये अगर मैं कर दूं वन बाई टू क्योंकि ये तो इसका तो माइनर एक्स वन है का तो माइनर एक्स एस वन है यहाँ पे तो ये ऑलरेडी आपका है का माइनस वन बाई टू पॉइंट आपको ऐसा हो होटिस्टाई करे तो माइनस वन बाई टू स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो आपका जाएगा फोर वन आ जाएगा y ये, तो y three, y अब ठीक है अब ठीक है स्टूडेंट्स ये इक्वेजन जरा आप इसमें पुटिंग करें। एक्स स्क्र वाई स्क्वेयर माइनस फोर इक्वल टू जीरो फोर बाई फोर प्लस थ्री माइनस फोर इक्वल टू जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब ये तो कौन सा एलिप्स है स्टूडेंट्स दिस इज वर्टिकल एलिप्स ऐसा लो कि आप इसमें पुटिंग करें ये इक्वेशन जो डिराइव की हमने स्टैंडर्ड केस के लिए उसी तरह अगर आप करेंगे तो कॉमन सेंस से वर्टिकल एलिप्स में क्या होगा एक्स और इंटरचेंज तो चौके ये है स्टूडेंट्स इस एलिप्स की इक्वेशन इस एलिप्स की इक्वेशन पर क्या होगी वर्टिकल एलिप्स की वो तो है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई बी इक्वल टू वन बात खत्म तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट की इक्वेशन फिर ये होगी

ठीक है तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा चलिए इसको कर दे वाई वाई स्टूडेंट्स पर कंफ्यूज होते हैं एक्स एक्स डिवाइड बाय बी स्क्वायर अदरवाइज मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इसको यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे समझ आई आपको अच्छा तो वाई वाई डिवाइड बाय ए स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पे आपका है स्टूडेंट्स ये डिवाइड बाई फोर करेंगे आप डिवाइड बाय फोर आप करेंगे तो ये वन आएगा वाई स्क्वायर बाय फोर है तो ये आपका ए स्क्वायर है फोर और एक्स एक्स वन माइनस वन ओवर टू बी स्क्वायर बी स्क्वायर यहां पे आपका है स्टूडेंट्स वन इज इक्वल टू वन तो स्टूडेंट्स माय स्वीट स्टूडेंट्स अंडर रूट थ्री डिवाइड बाय फोर वाई माइनस वन ओवर टू एक्स इज इक्वल टू वन उधर उधर जाएगा ये वन ओवर टू एक्स माइनस अंडर रूट थ्री बाई फोर वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो या मल्टीप्लाइंग बाई फोर आप करेंगे तो दिस विल बी टू दिस विल बी फोर दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इसी तरह नॉर्मल सिंपल आप एक्स और वाई इंटरचेंज करें नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक्स माइनस एक्स वन ए स्क्वेयर एक्स वन बी स्क्वेर वाई वन डिवाइड बाय वाई माइनस वाई वन बात खत्म स्टूडेंट्स एक्स माइनस एक्स वन शबाश एक्स माइनस एक्स वन तो ये आपका जाएगा प्लस वन बाई टू ए स्क्वेयर फोर एक्स वन माइनस वन ओवर टू बी स्क्र वन बी स्क्र और वाई वन है अंडर रूट थ्री वाई माइनस वाई वन फोर बाई टू एस टू ठीक है स्टूडेंट्स बस आप इसको फिर अपने लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ठीक है आप इसको सिंप्लीफाई कर एक स्टेप चाहिए समझिए स्टूडेंट्स आपको अब जाहिर है स्टूडेंट्स के अगर आपको कुछ ट्रांसलेटेड एलिप्स गिवन हो जो कि नॉर्मली बीएससी लेवल पे गिवन होता है यहाँ पे गिवन नहीं होता मगर यू शुड बी एबल प्रॉपर मेथड अगर आपको आता हो आपको ये एलिप्स अगर गिवन है टू एक्स प्लस

डिफ्रेंशिएट करें स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा और ये पॉइंट आपको गिवन है, है, तो आप है ये जिस तरह हमने मेथड में किया जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दू क्या बस मसला आप क्यों कर दे चले बताए लेट से ये इसका एक पॉइंट है वन का मोटू इसमें कर रहा हूं तो एक्स की जगह वन वाई की जगह टू एक्स की जगह वन की जगह टू ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स टू और चार तीन बारह प्लस एक माइनस आठ ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स स्टूडेंट माइनस एट फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन तो इसको फिर मैं कर दूंगा माइनस सेवन इक्वल टू जीरो ठीक है स्टूडेंट्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो चौदह चौदह जमा एक तेरह तेरह माइनस आठ फिर क्या क्यों हमसे ये गलती हो रही है आज आ, टू और चार तीन बारह अच्छा बारह माइनस बारह माइनस आठ चार पांच सात ठीक है ना सेवन माइनस सेवन यहाँ पे हमने क्या क्या गलती है हमने, हमने अभी की चौदह चौदह प्लस एक तेरह चौदह प्लस एक पंद्रह पंद्रह माइनस आठ सात सात माइनस सात इज इक्वल टू जीरो तो अब ये इलिप्स है आपको अगर दिया जाए तो फार्मूलों वगैरह की तो अब जरूरत नहीं है कि ये एलिप्स है और इस पॉइंट पर हमने क्या पुट किया स्टूडेंट्स वन लाइन ड्रा की जाए तो इसकी इक्वेशन क्या होगी तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे पहले तो आप इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स डायरेक्ट बस मैं करता हूं इसका डिफ्रेंशिएशन आप करें टू एक्स थ्री टू वाई डी वाई बाई डी एक्स या जाएगा वन माइनस फोर डी वाई बाई डी एक्स और डिरेवेट ऑफ कांस्टेंट इज़ जीरो आपका जाएगा फोर एक्स स्टूडेंट्स दिस विल बी सिक्स वाई माइनस फोर इंटू डी वाई बाई डी एक्स कामन किया मैंने अच्छा अब आप इसमें सिंपल पुटिंग करें वन का टू तो, आप का one, two, तो ये आपका आ जाएगा एक्स की जगह वन वाई की जगह टू तो ट्वेल्व माइनस फोर ये फिर आप इसको लिखे स्लोप ऑफ द टेंजेंट स्टूडेंट एट फोर प्लस आपका जाएगा eight, slope of the tangent, four plus one five, जाएगा उधर तो जाहिर है कि आप मालूम कर सकते हैं और नॉर्मल भी मालूम कर सकते हैं टेंजेंट है, की इक्वेशन क्या होगी किसी बिलन की इक्वेशन होती है वाई माइनस वाई वन पॉइंट स्लोप फॉर्म स्लोप एक्स माइनस एक्स वन टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ देंजेंट आप लेखे

एट एक्स माइनस फाइव वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो होपफुल यू गॉट इट टी स्टूडेंट्स अच्छा अब आप आगे जाए वो कंडीशन ऑफ फॉर फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू एलिप्स में भी हम कर चुके हैं पैराबोला में भी हम कर चुके हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सिंपल स्टैंडर्ड केस के लिए और हरिजेंटल केस के लिए अप्लीकेबल होगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर आपको लाइन गिवन है तो आपसे पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द लाइन वाइजो टू एम एक्स विल एम एक्स प्लस सी विल बी टेंजेंट या इट विल टच द एलिप्स एक्सक्र बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वल नहीं पढ़ा था आपको अभी क्योंकि तो हमने क्या है ऑलरेडी सर्कल में भी और सर्कल का चैप्टर जरा उसमें कंडीशन ऑफ डिटेल से मैंने पढ़ाया है उधर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ बाकी एलिप्स और हाइपरबोला में हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको अगर समझाऊंगा तो आधा घंटा तो इसमें लगेगा ज्यादा टाइम बल्कि लगेगा अब आप इसमें y जेको टू एम प्लस सी है स्टूडेंट्स तो इसमें आप जरा ये पुटिंग करेंगे y एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अगर इंटरेस्टेड है तो आप जाए इक्वेशन ऑफ ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर सर्कल वो आ जाएगा उधर यहां उसका कॉन्सेप्ट सेम है यहां पर वहां पे सर्कल है यहां पर एल एफ है चोड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू सी एम एक्स चूड्स ये आपका आएगा बी स्क्वेयर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्र सी स्क्वेयर प्लस टू ए स्क्वेयर सी एम एक्स ओके okay. स्टूडेंट्स अब आप इन दोनों में से ए स्क्वायर का मन करेंगे एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ये आप कहा जाएगा टू ए स्क्वायर सी एम एक्स ये उधर जाएगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ठीक है अच्छा स्टूडेंट्स अब ये आपका है वो क्वार इक्वेजन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो फॉर टेंजेंट फॉर टेंजेंट स्टूडेंट्स बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी हैजू बी जीरो स्टूडेंट्स बी आपका क्या है टू ए स्क्वेयर सी एम बी स्क्वेयर माइनस फोर एन ए एन सी राइट ये आप आ जाएगा फोर ए पावर फोर सी स्क्वेयर एम स्क्र माइनस फोर यह आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वेयर बी स्क्र सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी पावर फोर प्लस ए पावर फोर सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर और माइनस ए पावर फोर बी स्क्र एम स्क्र इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करें फोर ए पावर फोर सी स्क्र एम स्क्सर एक्स फोर ए स्क्स फोर ए पावर फोर सी स्क्र एम स्क्र माइनस ए पावर फोर बी स्क्र एम इक्वल टू जीरो कैंसिल हुआ राइट स्टूडेंट्स ये उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा फोर ए स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर पे क्या रहेगा ये उस तरफ चला जा ए स्क्र बी पावर फोर माइनस ए पावर फोर बी स्क्वे एम स्क्र अब स्टूडेंट्स फोर ए स्क्वेयर बी स्क्र आप यहां में से कामन करें राइट साइड दोनों टर्म्स में से तो फोर ए स्क्र बी स्क्र क्या इसमें फोर नहीं है स्टूडेंट्स फोर नहीं है इसमें तो नहीं है तो आप सिंपल ए स्क्वायर कामन करें ए स्क्र बी स्क्र आप कामन करें देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप काम करेंगे माई स्वीट स्टूडेंट्स हा स्टूडेंट्स हमने गलती की है ना यहां पे ये ये फोर इसके साथ भी है और ये इसके साथ यहां पर भी फोर है यहां पर भी फोर है तो फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप कामन करें बी स्क्वायर और ये फोर ए स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर ठीक है फोर ए स्क्वायर बी स्क्र कॉमन हुआ फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो फोर ए स्क्वायर बी क्या जाएगा सी इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स नीचे शायद नजर ना आए फिर आपको तो सी स्क्वायर क्या आया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्र एम स्क्वायर अब आप अगर तो ये स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी रूट ये है माई स्वीट स्टूडेंट्स कंडीशन ऑफ द इंजेंसी फॉर द एलिप्स ठीक हुआ स्टूडेंट्स अब इसका मतलब क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बहुत लंबा चौड़ा प्रॉसेस आप ना करें फिर किसमें मेरा यह मतलब है स्टूडेंट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल वो तो आपको खैर इंग्लिश में देगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेन ये कोई एलिप्स है और हॉरिजॉन्टल एलिप्स है जाहिर है इसकी इक्वेशन हमें गिवन गीवन स्टूडेंट एक्स लेट्स से नाइन प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू वन जो भी हो पे आप होटीन लेके यहाँ पे टू लेके मैं इसे लिखता हूं कि स्क्वायर एग्जैक्ट हो अच्छा यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि अलाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू दिस एलिप्स

इक्वेशन क्या होगी इक्वेशन 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 ये होगी। 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 किसी की अब इसके लिए तो स्लोप हमें हाँ दो है इसलिए दो लाइंस है तो जाहिर है दो वैल्यूज हैं अब इसमें ए स्क्वा आपका है नाइन स्लोप इसका है वन बी यहां पे बी स्क्वायर है चार अंडर रूट थर्टीन प्लस माइनस अंडर रूट थर्टीन बात खत्म तो माय डियर स्टूडेंट्स आई थिंक दिस वाज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ एलिप्स फॉर सेकंड डियर स्टूडेंट्स ठीक है एक है जी आप जरा प्रैक्टिकली दो तीन एग्जांपल्स दे एलिप्स पर तो वो तो मैंने आपको बताया है कि मैं एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर जब हाइपरबोला भी खत्म कर दूंगा तो एक लेक्चर हम रिकॉर्ड कर देंगे इसमें दो दो एप्लीकेशन इस तरह जाहिर है कि एलिप्स के तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होंगे तो हम इस तरह ताकि आपको थोड़ा सा जो आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी इस्तेमाल किया होगा जैसे वो प्रोजेक्शन करते वक्त सर्कुलर मोशन में द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन एज सिंपल हारमानिक मोशन उसमें जो इक्वेजन आती है वो रिप्रेजेंट करती है एलिप्स को खैर वो डिस्कस करेंगे मगर अभी उस एप्लीकेशन के अलावा दिस इज द एंड ऑफ एलिप्स फॉर यू होपफुली मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा होगा आपके लिए ठीक है सात लेक्चर्स मैंने आपको दिए ले नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हाइपरबोला जो कि लास्ट लेक्चर है लास्ट टॉपिक है ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाजत है अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़